हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहाबुद्दीन और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला मोटरोला मोटो जेड टू प्ले के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मोटरोला ने फाइनली मोटो जेड टू प्ले को जो है इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है और आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, हालांकि कुछ दिन से मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, मोटरोला जेड टू प्ले की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें जो आपको 5.5 इंचज का फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने मिलता है जो कि एक एमुलेट डिस्प्ले है। तो एमुलेट होने के कारण से आपको जो डिस्प्ले की क्वालिटी वो काफी अच्छी मिलने वाली है। इसमें जो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। इसमें एंड्रॉइड 7.1.1 नोगेट के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स आता है और इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 626 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया जो कि 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लॉक किया गया। कॉर्टेक्स A53 कोर जिसमें आपको दी गई है और इसमें 32 GB की इंटरनल मेमोरी और 64 GB इंटरनल मेमोरी दो वेरियंट्स में आता है। इंडिया में जो 64 GB वाला वेरियंट लॉन्च हुआ जिसमें आपको 4 GB की रैम देखने मिलती है और जो इसमें जो आपको 12 MP का रियर फेसिंग कैमरा देखने मिलता है जिसका एपर्चर है F1.7 का। इसमें एपर्चर दिया गया है, 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा है और कैमरा क्वालिटी इसकी अच्छी होने वाली है। आपको फ्रंट में भी जो डुअल टोन LED फ्लैशलाइट दी गई है, 3000 mAh की बैटरी है, बैटरी जो है थोड़ी कम दी गई है। इसमें जो है आपको स्नैपड्रैगन 626 प्रोसेसर दिया गया जो कि एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है और साथ ही साथ इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों, इसमें जो आपको एमुलेट डिस्प्ले दिया गया जिस कारण से IPS डिस्प्ले से अच्छी क्वालिटी का है और मोटरोला G5 प्लस के मुकाबले में ज़्यादा कुछ इसमें मेजर अपग्रेड्स नहीं है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस भी नहीं है। तो दोस्तों, इसकी जो प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो प्राइस है वो 28,000 रुपये रखी गई है, यानी कि 28,000 रुपीज़ का आपको ये फ़ोन मिलता है जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर प्राइस है। और ये मोटो मॉड्स को भी सपोर्ट करता है, इसमें जो आपको काफी कुछ अलग अलग तरीके के मॉड्स दिए गए हैं, अगर आपको आप चाहे तो उन्हें भी परचेस कर सकते हैं। हालांकि उनकी कीमत कुछ ज्यादा ही रखी गई है और फोन भी थोड़ा सा ओवर प्राइस है। अगर आप मोटरोला G5 प्लस लेंगे तो उसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर मिलता है, इधर पे 626 दिया गया है, बाकी और कुछ खास डिफरेंस नहीं। इधर पे एमुलेट डिस्प्ले दिया गया और 64 GB की आपको इसमें इंटरनल मेमोरी है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि फोन ओवर प्राइस है, अगर फिर भी आप लोगों को खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, मोटरोला की तरफ से एक ठीक ठाक डिवाइस है, ज्यादा कुछ आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि इसका कैमरा थोड़ा सा अच्छा, आप चाहे तो OnePlus 3T भी ले सकते हैं, वो भी काफी एक अच्छी चॉइस है। उसमें जो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 821 प्रोसेसर है तो बेसिकली, और उसमें 6 GB रैम है तो वो इससे ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये इसमें मोटो मॉड भी ये सपोर्ट करता है और इसमें कुछ अपने जो खास फीचर्स है ये कंप्लीटली जो एंड्रॉइड स्ट्रॉन्ग एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ में भी आता है। तो आप जो डिसाइड कीजिए आपको खरीदना या फिर नहीं खरीदना, 28,000 रुपए की इसकी प्राइस है। और दोस्तों, फाइनली आज तो नहीं, हालांकि कुछ दिन पहले हमने 100 सब्सक्राइबर्स जो है क्रॉस कर दिए थे, उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बना रहेगा तो हम बहुत ही जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर लेंगे। हालांकि 100 सब्सक्राइबर्स होने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, कुछ लोगों के बहुत जल्दी हो जाते लेकिन मेरे जो है बहुत लेट हो गए 100 सब्सक्राइबर्स के लिए, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर्स भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में।